what is up everybody, namaste, salam aur chule, and welcome back to the Real Bridge. Hope you guys are doing well and it's your boy Vishu Dubey. So guys, if you are unable to understand Hindi, so please turn on your subtitles. तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने HCL Techbee प्रोग्राम के 2 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं. लाइक मेरा एक्सपीरियंस कैसा था Techbee ट्रेनिंग के दौरान और अब FTE में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है. साथ ही साथ इस वीडियो में हम कुछ अंदर की बातें भी करेंगे जो आपको कोई नहीं बताने वाला है, आप चाहे किसी से भी पूछ लो. तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो. और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना. और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, अगर आप एक Techbee की स्कॉलर हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या यही एक्सपीरियंस है आपका. आई होप यार आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करोगे. तो इसी के साथ वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं. सो गाइज यार, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक बार वीडियो बनाई जाए, ठीक है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस था HCL Techbee प्रोग्राम में. मेरे को एक्चुअली 2 जून को ही 2 साल हो चुके थे यार, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था. सो गाइस, फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन HCL Techbee प्रोग्राम. मैंने यार एक PDF बनाई है पूरी जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. तो सबसे पहले यार मैं बात करूँगा अपने फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में. आखिर जब मैंने पहली बार जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. तो सबसे पहले बात करते हैं यार, 3 मंथ्स की जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो सारे स्कॉलर्स के लिए सेम होती है, जिसको हम इनिशियल फेज की ट्रेनिंग भी कहते हैं, जिसमें हमारे यार डेली क्विजेज भी होते हैं और टर्म एग्जाम भी होते हैं. एक चीज़ मैं आपको बता दूं यार, इस HCL Techbee प्रोग्राम में आपको भर भर के क्विजेस देनी होती हैं. उसके बाद 6 मंथ की हमारी यार, जब हमारा सेग्रीगेशन हो जाता है, 6 मंथ की हमारी ट्रैक स्पेसिफिकेशन ट्रेनिंग होती है, जिसमें भी हमारी डेली क्विजेस होती हैं और साथ ही साथ टर्म एग्ज़ाम और एक और एग्ज़ाम जुड़ जाता है जिसे हम ब्रिज एग्ज़ाम कहते हैं. उसके बाद हमारी 3 मंथ की OJT होती है जिसे हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें हम एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं, ठीक है. हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है और साथ ही साथ हमारा एक टीम लीड भी होता है, जिसको हमें अपने प्रोजेक्ट की स्टेटस बार बार देनी होती है, भैया हमारा स्टेटस में ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, जो हमें उसे बार बार बताना होता है. तो यार अब हम बात करते हैं क्लासेस के बारे में, आखिर हमारी क्लासेस कैसे होती थी और कैसे चलती थी, ठीक है. तो सबसे पहले यार, जब पैंडमिक नहीं थी, COVID-19 नहीं आया था, उससे पहले जो हमारी क्लासेस थी वो ऑफलाइन मोड में चलती थी, जो कि शिवनादर यूनिवर्सिटी में चलती थी, ठीक है. मैं सच बताऊं यार, शिवनादर यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत अच्छा और क्लासेस बहुत अच्छी हैं. एक जो सबसे अच्छी चीज़ है यार, जो क्लासेस हैं वहाँ की AC क्लासेस हैं, लेकिन जब से COVID-19 आया है तब से हमारी क्लासेस यार ऑनलाइन मोड में चल रही हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टाइपेंड एंड एक्सपेंसेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी Techbee स्कॉलर. अकॉर्डिंग टू HCL Techbee अथॉरिटी एंड ऑफिशियल वेबसाइट, स्टाइपेंड इज 10K पर मंथ. मतलब यार जो स्टाइपेंड है वो 10K पर मंथ है. और जो हॉस्टल्स हैं यार, वो हमारे कुछ ही लोकेशंस पर हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोकेशंस पे हमारे हॉस्टल अवेलेबल हैं. उसके बाद एक और चीज़ यार, जो एक हॉस्टल का रूम है उसमें 4 स्कॉलर्स रहते हैं, ठीक है. उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है करिकुलम, ठीक है. तो मैं एक चीज़ बता दूँ यार, ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग जो आपका करिकुलम है यार, वो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है. जो आपका शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है. जो आपकी क्लासेस हैं यार, वो 9 to 6 चलती हैं, ठीक है. लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जो क्लासेस होती हैं वो आपके 7:30 के पार चली जाती हैं. अगर ट्रेनर की इच्छा हो तो ये 9 बजे तक भी खींच देते हैं कभी कभी क्लासेस. उसके बाद यार आपको बहुत ज़्यादा होम असाइनमेंट मिलता है, जिसको आपको एंड ऑफ द डे सबमिट ही करना होता है, ठीक है. उसके बाद यार वीकेंड ऑफ मिलते हैं, जो कि सारे स्कॉलर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर होती है. यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होने वाली है, क्योंकि जब हमारी क्लासेस चलती हैं उसमें जो ट्रेनर हैं वो सिर्फ अंग्रेज बन जाते हैं, मतलब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं, वो हिंदी बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, ठीक है. और अगर हम बात करें यार एजुकेशन क्वालिटी और कोर्स स्ट्रक्चर की, तो जितने लाइन ऑफ बिजनेस हैं उनकी सबकी एजुकेशन क्वालिटी और कोर्स स्ट्रक्चर बहुत बेस्ट है. मैं सच बता रहा हूँ, इनका कोर्स स्ट्रक्चर और एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. अब हम बात करते हैं ट्रेनर्स के बारे में, आखिर ट्रेनर्स कैसे हैं वहाँ के. तो जो ट्रेनर्स हैं यार यहाँ HCL Techbee प्रोग्राम में, वो यार उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और वो हाईली एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है. और एक बात मैं बता दूं यार, जो ट्रेनर हैं वो बहुत टाइट मार्किंग करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है. अब चलते हैं यार, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है अंदर की बात, जिसमें यार जो चीज़ें सामने से दिखती हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है, उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं, ठीक है. तो नो स्टाइपेंड आफ्टर कोविड एंड ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है.
तो यार वैसे इन्होंने कहा है कि हम 10K पर मंथ का स्टाइपेंड देते हैं, ठीक है। लेकिन जब से यार पैंडमिक हुई है, कोविड 19 आया है, तब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो ये उनको स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं, और रीज़न ये बता रहे हैं जो स्कॉलर्स हैं वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है यार, जब स्कॉलर्स ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप फीस भी क्यों ले रहे हो जब आप उनको स्टाइपेंड नहीं देना चाहते हो, ठीक है। ये एक चीज यार मुझे बहुत गंदी लगी, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। और अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो तुमको सिर्फ 3K का स्टाइपेंड मिलता है, जो तुमको 10K का स्टाइपेंड मिलता है उसमें से 7K ये कहते हैं यार तुम्हारी हॉस्टल फी है, और 3K ये आपको इन हैंड स्टाइपेंड दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यार, जो आपको अपने ट्रेनर और मैनेजर के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाकर रखना है, ठीक है। आप यार ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यार आप सिर्फ हॉस्टल में ही रह सकते हो, आप हॉस्टल में भी रह सकते हो और रूम लेके भी रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी कमी है यार इस प्रोग्राम की, अगर ये कमी यार रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, तो मतलब ये प्रोग्राम बहुत अच्छा बन जाएगा। जो लाइन ऑफ बिजनेस है इज नॉट बाय योर चॉइस, मतलब यार लाइन ऑफ बिजनेस आप चूज नहीं कर सकते हो, ये इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। कंपनी जो आपको लाइन ऑफ बिजनेस देगी आपको वही लाइन ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आपको GIT दे दे, चाहे वो आपको इंफ्रा दे दे, चाहे आपको डेटा साइंस दे दे, चाहे आपको SAP दे दे, कुछ भी दे दे, आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यार HCL में दो टाइप के प्रोग्राम होते हैं, एक HCL सर्विस डेस्क प्रोग्राम और एक HCL Techbee प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं Techbee स्कॉलर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप HCL सर्विस डेस्क प्रोग्राम ज्वाइन करो। मैं यार सीधे बता रहा हूँ, आप ज्वाइन मत करो, ठीक है, क्योंकि यार इसमें फ्यूचर स्कोप बिल्कुल भी नहीं है और इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है और इंक्रीमेंट तो ना के बराबर ही होता है, ठीक है। और जब हमारी ट्रेनिंग चलती है यार तो इसमें नो वर्क लाइफ बैलेंस वाला सीन होता है सारा, मतलब आपको इतना ज़्यादा काम दिया जाएगा, इतने ज़्यादा होम असाइनमेंट दिए जाएंगे, इतने ज़्यादा असाइनमेंट दिए जाएंगे कि यार आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाएगा जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। तो यार इस वीडियो का सेकंड पार्ट, यानी जो हमारी फुल टाइम एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है, वो हम 100 लाइक्स कंप्लीट होने के बाद अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड विश यू हियर।